लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद ठीक एक महीने बाद जदयू अपने कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में कर रही है और इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले होने वाले हैं। जी हाँ, ये बैठक इसीलिए हो रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के पद पर किसको खड़ा किया जाए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां लोगों की बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है और इस बैठक में ये भी बात सामने आ रहा है कि शायद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री हो सकती है, ये खबरें भी काफ़ी दिनों से चल रही हैं। हालांकि इन खबर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। हालांकि जदयू और भाजपा नेताओं ने दोनों दलों के बीच संभावित अविश्वास के दावों को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार जहां जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं बिहार में दो बड़े नेता की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। इनमें भाजपा के सम्राट चौधरी हैं तो उधर जदयू के विजय कुमार चौधरी हैं। इस जिम्मेदारी के बाद अब दोनों नेताओं की भूमिका जो है वो बढ़ जाएगी। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्व क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित कर दिया गया है। इसके अलावा गृह विभाग के प्रधान सचिव को अतिरिक्त सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्रीय परिषद के तहत बुनियादी ढांचे, माइनिंग, जल आपूर्ति, पर्यावरण, वन और राज्य पुनर्गठन के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ और दूरसंचार, इंटरनेट के व्यापक विस्तार और सामान्य क्षेत्रीय हितों के मुद्दे सहित कई विषय पर चर्चा की जाती है। जी हाँ, उधर नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और बैठक करेंगे, तो यहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्व क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। इसके अलावा गृह विभाग के प्रधान सचिव को अतिरिक्त सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उधर मुख्यमंत्री दिल्ली में अपनी बैठक कर रहे हैं, तो यहाँ उप मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की ये बैठक काफ़ी अहम होने जा रही है क्योंकि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।